आपने दिल खुश कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी, चारों तरफ झंडे ही झंडे, देशभक्ति की भावना। दोस्तों, मैं, मेरा छोटा भाई भगवंत मान, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए, 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके यार दोस्त रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, किसी थाने में चले जाओ पंजाब में, किसी रजिस्ट्रार तहसीलदार के किसी दफ्तर में चले जाओ काम कराने, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अब क्यों, अगर हमने 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर लोग, कट्टर ईमानदार हैं हम लोग। पहले पैसा नीचे से ऊपर जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया, जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यह करना ही नहीं करना, पक्की बात। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के अंदर, स्कूल ठीक करने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली ठीक करनी आती है, पानी ठीक करना आता है। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है, चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया, इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में होगी। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। भारत माता की, इनकलाब।